वीकेंड था, सो वी थॉट कि वीकेंड में वन डे ट्रिप कहीं की जाए। और क्योंकि अभी मेरे हम्पी के व्लॉग्स देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो यहाँ बेंगलोर के नियर में एक प्लेस है तलाकाडू। कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर पे है तलाकाडू। तो वहाँ पे तलाकाडू रिवर बीच है, मतलब वहाँ सैंड है एंड देन कावेरी रिवर का बीच है वहाँ पे। तो एक बार ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे विजिट कर चुके हैं और वहाँ पे कोरिकल राइड होती है, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है वीडियो। बट इस बार क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो इस बार हम जा रहे हैं तलाकाडू के टेम्पल्स देखने, और उसकी कुछ अलग हिस्ट्री भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी क्या हिस्ट्री है उसकी। तो पहले जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और बेंगलोर टू तलाकाडू ये ट्रिप वीकेंड में ज़रूर करिए। तो लेट्स गो। इस रोड से निकलने के बाद मैसूर रोड में एंट्री के लिए ये जाम झेलना पड़ेगा। गाइस देख लो, ये है कंडीशन मैसूर रोड में जाम करने के पहले। ये है भोजनालय उद्दपी वाला, यहीं पे सारी लोग खा पी के देन फिर जा रहे हैं ये मैसूर रोड में एंट्री करने। हाईवे से पहले अगर कभी भी मैसूर रोड पे खाना पीना हो तो यहीं खा लो, क्योंकि आगे हाईवे पे कुछ नहीं मिलने वाला। जितने लोग यहाँ खा पी रहे हैं ना, गाड़ी रोक के वही लोग जाम लगा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तलाकाडू के मंदिरों में जाने के लिए आप लोगों को ये गांव वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा। अभी हम लोग एग्जैक्टली गांव के अंदर से जाते हैं। कौन सा गांव है ये? तलक्कण गांव है ना। कौन सा गांव है? होली का था 19 किलोमीटर दूर तलाकाडू है। No. टेम्पल पांचों अंदर है। यहाँ लगा दो, यहाँ रेड गाड़ी लगी है। तो गाइस हम तलाकाडू में आ चुके हैं और ये एक फर्स्ट टेम्पल है जो कि शिव जी का टेम्पल है। अभी हमने अंदर एंट्री की है, पहले हम जाएंगे अंदर दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। लोग यहाँ पे थोड़े से कम हैं क्योंकि ये प्लेस ऐसी है जो कि हिडन है, इसकी एक अपनी अलग हिस्ट्री है, तो अभी लोगों के उतने नॉलेज में नहीं है प्लेस। हिडन नहीं है मतलब लोगों के उतने नॉलेज में नहीं है प्लेस। चलते हैं पहले अंदर दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं। ये टेम्पल नेम शिवन देवस्थान, बहुत ही प्यारा टेम्पल है देखो। ये भी शिवलिंग अंदर भी रखे हुए, बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे देखो। देखो इधर भी शिवलिंग है, इधर भी शिवलिंग है। ये है बहुत पहले की कार्विंग देखो। और यहाँ पे क्या होता था, मतलब पहले जहाँ पे भी चाहे नॉर्थ में या साउथ में आप देख लो, इस तरीके से टेंपल्स होते थे ना, तो टेंपल्स में जब इनको क्लीन करने के लिए, या कहो भगवान के ऊपर जल प्रवाह कर रहे हैं जब, तो जल प्रवाह करने के लिए ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। ये देखो यहाँ से निकल रहा है एंड देन फिर ये
यहाँ से इस तरीके से बाहर आता था। वो है स्टोन रिंग, और ये इस तरह का स्कल्पचर बनाना आसान चीज़ नहीं है, और पहले लोग इसमें लटक हैं। स्टोन रिंग है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग रेत में चल रहे हैं। तो तलाकाडू की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये पूरा गांव रेत में डूब गया था। अभी भी काफ़ी पोर्शन रेत में ही डूबा हुआ है, क्योंकि अमल अम्मा करके एक यहाँ की रानी थी, उन्होंने श्राप दिया था। तो श्राप काम करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पहले की कहानी नहीं है, ये रीसेंट आई थिंक 100-200 साल पहले की ही कहानी होगी, ज़्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है। कि उनके गहने, यहाँ पे एक राजा थे जो कि मैसूर के राजा थे, जिन्होंने पूरे तलाकाडू को पे कब्जा कर लिया था, तो वो उनके गहनों के पीछे पड़ा हुआ था। वो अपने गहने देती थी, मंदिर में देती थी भगवान को सजाने के लिए, बट उनके गहनों की ओनरशिप वो खुद रखती थी। लेकिन उस गहनों को राजा जब्त करना चाहता था, तो अमलम्मा जो भी रानी थी, वो विडो थी एक्चुअली, उसके उनके ही राजा को मार के मैथुर के राजा ने यहाँ पे पूरा अपना दावा जमा लिया था। तो वो अपने गहने लेके कावेरी नदी में डूब गई और बोल के गई कि जो भी तलाकाडू है ये रेत बन जाए, और उसके बाद ही ये लेफ्ट साइड पूरा कावेरी रवि नदी के लेफ्ट साइड का ये रेत में डूब गया था। अभी भी कुछ मंदिर हैं जो कि हैं, दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम सब घूमने आ रहे हैं। इसकी हिस्ट्री थोड़ी है ऐसी, लोगों को इस प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो तलाकाडू उतना फेमस नहीं है, बट इसके जो टेम्पल्स हैं बहुत ही पुराने टेम्पल्स हैं। तो आज हम वही टेम्पल्स घूमने आए हैं, और सावन का महीना है, शिव जी के मंदिर जितने घूमे जाएँ उतने ही कम हैं, तो यही सोच के हम ये टेम्पल घूमने आए हैं। तो अब चलते हैं अंदर, एक टेम्पल हम घूम चुके हैं, अब आगे विष्णु जी का टेम्पल है, माता रानी का टेम्पल है, और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो गाइस, अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो पीछे पूरा रेत का जो रास्ता है, वहाँ नीचे चप्पल उतारने की एक जगह है, अगर आप वहाँ ना उतारना चाहें तो वहाँ नहीं उतारिए, ये पूरे रास्ते पे आप चप्पल पहन के आ सकते हैं। देन फिर यहाँ मंदिर में नीचे जाने से पहले बगल में चप्पल कहीं पे भी उतार सकते हैं, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ चप्पल उतारने की, और यहाँ पर पूजा वगैरह भी लेने की जगह है, कुछ खाने पीने का स्टॉल है, वो भी है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर में। ये जो मंदिर था वो शिवजी का स्वभू शिवजी हैं, उसमें मतलब ब्राउन कलर के शिवलिंग खुद ही उत्पन्न हुए। पीछे टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है, मल्लेश्वर टेम्पल बोलते हैं, और यहाँ मेन रास्ता, मैं इधर से आई हूँ, उस रास्ते से हम लोग ऊपर से आए थे तो मैं इधर से आ गई, अदरवाइज ये है पूरा विशाल द्वार बनाया गया है जो अंदर आने का। और ये टेम्पल कभी डूब गया था, अब वापस से मतलब डूब गया था, इन द सेंस सैंड में डूब गया था। आओ पढ़ते हैं थोड़ी हिस्ट्री, अगर पढ़ पाते हैं तो। ये अमित ऊपर जा रहे हैं, तो ये विष्णु भगवान जी का टेम्पल है, विष्णु भगवान को समर्पित है ये टेम्पल, और आई थिंक श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्ति बनाई गई है। वो बहुत ही प्यारा टेम्पल है, क्या तो कारविंग है टेम्पल की, देखो
मल्लेश्वर मल्लेश्वर कीर्ति नारायणा, ओके इस टेंपल का नाम है कीर्ति नारायणा। मैं अंदर होके आ गई हूँ और यार बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है भगवान जी की, मतलब विष्णु जी की बहुत प्यारी मूर्ति बनी हुई है। तो आप लोग आना तो ये वाले मंदिर का तो दर्शन जरूर कर लेना। सामने से उन्होंने श्री रामचंद्र की और सीता मैया की और लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई हुई है, बट अब जब अंदर जाओगे तो आपको विष्णु भगवान की बड़ी सी मूर्ति दिखेगी, बहुत प्यारी मूर्ति। मुझे मतलब दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये है वो रास्ता जहाँ पे हमने कार पार्किंग करी थी। अगर इस रास्ते से आप डायरेक्ट आएंगे तो ये विष्णु जी का जो मैंने अभी टेंपल आपको दिखाया कीर्ति नारायणा टेंपल, वो यहाँ से भी रास्ता है। अदरवाइज आप चाहें तो वो जो सैंड वाले रास्ते से मैं गई थी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो वहाँ से जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर का जो स्वभु वाला टेंपल है शिव जी का वो भी मिलेगा, एंड देन फिर आप अंदर से ही यहाँ पे आ सकते हैं कीर्ति नारायणा टेंपल पे। एंड देन यहाँ पे ये पार्किंग है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी, ये जैसे पहले पॉन्ड नहीं बनाते थे टेंपल्स के बगल में, तो ये बहुत ही अच्छा पॉन्ड भी बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं ये सीधे ही रास्ते पे, यहाँ पे दुर्गा जी का टेंपल है आगे, तो दुर्गा जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो पीछे माता रानी का मंदिर था चौड़ेश्वरी, क्या नाम था माता रानी का बताओ, चौड़ेश्वरी देवी जी का मंदिर था पीछे, तो वो हमने दर्शन कर लिए हैं। अब ये तलाकाड़ू के जितने भी टेम्पल्स हैं हमने सबके दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर और तलाकाड़ू रिवर बीच पे जाने की कोशिश करते हैं, और अगर वहाँ बोटिंग हो रही होगी तो बोटिंग करेंगे, अदरवाइज हमारे चैनल पे ऑलरेडी तलाकाड़ू की कोरिकल राइड का वीडियो पहले से है। बट पिछली बार जब हम आए थे कोरिकल राइड ले कि चले गए थे रिवर बीच पे, हम मंदिर नहीं घूम पाए थे, तो वी थॉट कि इस बार हम लोग मंदिर भी जाएंगे। और अगर आप लोग शिवाना समुद्रम आ रहे हैं तो तलाकाड़ू भी आ जाइए, क्योंकि बगल में ही है उसके और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दोनों ही डेस्टिनेशन अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये साइड में पार्किंग है जहाँ पे हमने गाड़ी रखी थी, और एक सीधा रास्ता जाता है वो सीधे बड़े मंदिर पे जाता है जो कि विष्णु जी का मंदिर है, वो काफ़ी फेमस मंदिर है तलाकाड़ू का। और हमारे राइट साइड में एक मंदिर है वो शिव मंदिर है, तो आप इन दोनों मंदिरों को विजिट कर सकते हो। और बाकी अंदर भी बहुत 4-5 मंदिर हैं, तो ये दोनों मंदिर ही इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन दोनों मंदिर को विजिट करके अपनी तलाकाड़ू विजिट कम्प्लीट कर सकते हो, बाकी टाइम है तो आप पूरा घूमो। 30 ओके जाए। सो गाइस आ गए हैं पार्किंग में, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अगर कोरिकल राइड करने का मौका मिला तो करेंगे, अदरवाइज जो मेरा लास्ट वीडियो है उसका लिंक मैं यहीं लगाऊंगी, आप उसमें जाके कोरिकल राइड देखिएगा, बहुत ही प्यारी कोरिकल राइड करी थी मैंने। अब आज थोड़ा मेरा करने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सूट में आई हूँ, देखो मेरा कम्प्लीट लुक, मैंने मंदिर की वजह से सूट डाला हुआ था। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ बीच पे जो कि है तलाकाड़ू रिवर बीच, बट अभी पानी थोड़ा सा कम है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ पूरा पानी था, इवन ये जो पीछे जंगल दिख रहा है उस जंगल में भी पानी था, और मैं इस जंगल में पानी में कोरिकल राइड ले रही थी, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग जाके वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी तो फिलहाल पानी तो है बट उतना नहीं है, उस लेवल का नहीं है, अगस्त में आई थिंक उस लेवल का पानी आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को आना हो तो जुलाई एंड आ चुका है, आप अगस्त एंड तक यहाँ पे आने का प्लान कर सकते हैं, देन फिर आपको वो जो पीछे जंगल है वहाँ पे पानी में कोरिकल राइड करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पे आ रहे हो तो अगर आप मंदिर जाओगे तो एक गाइड आपके साथ साथ चलेगा, बोलेगा गाइड ले लो गाइड ले लो गाइड ले लो, आप गाइड नहीं भी लोगे तो भी मंदिर तक आपके साथ चलेगा। और अगर बीच पे आओगे तो एक नाव वाला आपके साथ चलेगा, बोलेगा नाव ले लो नाव ले लो नाव ले लो, नाव नहीं भी लेनी है तो भी वो आपके साथ चलेगा। Round 120, बना round 250, दो आदमी मिला के।
कावेरी बीच, मतलब नदी का किनारा है हमारे यहाँ, गंगा नदी होती है ऐसी, बट यहाँ पे उसको बीच का नाम दिया गया है। बीच के किनारे बहुत बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट सैलड, और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ मिलती है पाइनएप्पल। कभी मैं जा रहा हूँ पाइनएप्पल ढूंढने, उसके बाद चाय, देन आगे की ओर हम अपना सफ़र चालू करेंगे। चटनी वो मेरा है, थोड़ा शुगर, थोड़ा शुगर। हम जा रहे हैं आगे चाय पी के मस्त, पाइनएप्पल नहीं खाओगे? शिवाना समुद्रम, हाँ पाइनएप्पल खाना मैं भूल गया, मैं आगे से लेता हूँ, आगे कुछ ना कुछ शॉप तो होगी। शिवाना समुद्रम में भी रहती है वहाँ पे, मैं रिस्क नहीं लूंगा, पिछली बार नहीं मिला था। अरे होती है यार, अभी तुरंत चाय के बाद नहीं खाना है। तो अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, लंच वगैरह करना है, तो यहाँ तलाकाड़ू पे भोजनालय भी है, प्रॉपर सीट्स लगी हैं और प्रॉपर खाना मिल रहा है, थाली वाला जो खाना होता है ना वो मिल रहा है। क्या नाम है, होटल बालाजी करके नाम है। इडली डोसा सांभर वड़ा सब कुछ है, खुले में, हाइजीनिक कितना है ये पता नहीं, लेकिन काम चला हुआ है, मतलब भूख लगी। आप लोग आ सकते हो, पिकनिक बना सकते हो। हम इसलिए लंच नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अपना खाने पीने के पराठे एंड सब्जी वगैरह लाई हूँ, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे बस चाय वगैरह ले ली थी हम लोगों ने। ओके अब हम चलते हैं अगेन गाड़ी की तरफ, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं शिवाना समुद्रम। तो इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करती हूँ, अब शिवाना समुद्रम की वॉक आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और तलाकाड़ू आना, मंदिर एंड रिवर बीच ज़रूर देख के जाना। मिलते हैं शिवाना समुद्रम वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।